अगर आप UPI एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी UPI एप्स जैसे कि जीपे, पेटीएम, फोन पे और भारत पे का इनएक्टिव UPI अकाउंट्स को बंद करने के आदेश दिए हैं। उन लोगों के UPI अकाउंट्स बंद किए जाएंगे जिन्हें पिछले एक साल से अपनी UPI ID का इस्तेमाल नहीं किया है। सभी कंपनियां 31 दिसंबर के बाद से ऐसे अकाउंट्स को बंद करने लगेंगी। ट्राई के आदेश के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां डीएक्टिव सिम कार्ड को 90 दिनों बाद दूसरे यूजर को जारी कर सकती हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति एक नंबर को 90 दिन तक यूज ना करता हो तो ये फिर दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा। परेशानी तब होती है जब वही नंबर बैंक के साथ भी जुड़ा हो और यूजर ने अपना नया नंबर बैंक अकाउंट के साथ अपडेट ना किया हो। इससे होगा ये कि जिस भी व्यक्ति को वो नंबर मिलेगा वो उसकी मदद से UPI एप्स को एक्टिव कर लेगा क्योंकि वही नंबर बैंक के साथ लगा हुआ है। इस परेशानी से लोगों को बचाने के लिए NPCI ने UPI एप्स को पिछले एक साल से इनएक्टिव पड़े सभी अकाउंट्स को बंद करने के निर्देश दिए हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सर्कुलर TPAP PSP बैंकों को उन ग्राहकों को UPI ID संबंधित UPI नंबर और फोन नंबर की पहचान करने के निर्देश देता है जिन्होंने UPI एप्स के माध्यम से एक साल से कोई वित्तीय या गैर वित्तीय लेन देन न किया हो। NPCI ने ऐसे ग्राहकों की UPI ID और UPI नंबर को इन्वर्ट क्रेडिट लेन देन से रोकने और UPI मैपर से अपंजीकृत करने के लिए कहा है। इन्वर्ट क्रेडिट लेन देन को दोबारा शुरू करने के लिए ग्राहकों को अपने UPI ऐप से फिर से रजिस्टर कर UPI ID को लिंक करना होगा।